सो गाइज इस वीडियो में एक तगड़ा बग देने वाला हूँ जहाँ पे आपको मिनिमम 50 रुपये से लेकर 100-150 तक 200 तक अर्निंग हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। बस उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल तगड़ा बग होने वाला भाई, इसको मिस मत करना, ठीक है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन भाई तो क्या करो भाई, सबसे पहले ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ना यहाँ पर कोई भी नए लूट ऑफर आता है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ से यूजर्स यहाँ पर डेली का 500 से लेकर 1000 रुपये तक अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो बस उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट देखना होगा और टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन होना होगा, ठीक है। बस ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए चलते सीधा वीडियो की तरफ, ठीक है। इस बग को लूटने के लिए ना आपको पास ये एप्लीकेशन होना चाहिए, पहला मीशो ऐप, दूसरा बजाज फाइनेंस, ठीक है, और चाहो तो नावी एप्लीकेशन का यूज करते हो, ठीक है। देखो जो प्रोसेस बताऊंगा ना वो सेम प्रोसेस सभी ऑफर्स में अप्लाई होगा, बस सबसे पहले इसको प्रोसेस को समझो, ठीक है। अगर जो जिनको पता नहीं है कैसे इसको लूटना है तो जरूर से इस प्रोसेस को समझो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, मीशो ऐप डाउनलोड करना, आई होप सबके पास होगा, ठीक है, और बजाज का ऐप भी सबके पास होगा और नावी का भी होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना, मीशो ऐप को ओपन करना और इसमें ना अपना एक आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको देखना है जो ना 200-250 से ज़्यादा का अमाउंट हो, ठीक है, 250 से ज़्यादा का अमाउंट हो, वैसा आपको इसमें प्रोडक्ट कोई कार्ड में ऐड करना है या फिर बाई वाले पेमेंट पेज पर जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट को अपने कार्ड में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आप कार्ड में ऐड करने के बाद डायरेक्ट चले जाना है पेमेंट पेज पर, ठीक है। एड्रेस वगैरह अपना सेट कर लेना, ठीक है। मैं अभी यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 200 इसमें प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब पेमेंट पेज पर आने के बाद ना यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना, यहीं पर आओगे तो यहाँ पर आपका एक व्यू ऑफर्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना और यहीं पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पर ना बहुत सारे मतलब नए ऐप्स ना, सभी ऐप्स के यहाँ पर ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, क्रेडिट का भी चल रहा है, फोनपे का, बजाज का, नावी का, पेटीएम का, फिर यहाँ पर एक लेजी पे का, ठीक है। उसको छोड़ दो, मैं सबसे पहले यहाँ पर ना बजाज ऐप का बताता हूँ इसको कैसे लूटना है, ठीक है। और यही सेम तरीका ना आप सभी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ बजाज का। बजाज पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में देखो, अपन मिनिमम आपको ना 200 का प्रोडक्ट ऑर्डर करना, ठीक है। 200 का प्रोडक्ट करना जिसमें आपको मतलब मिनिमम 20 रुपये से लेकर मैक्सिमम 200 रुपये तक कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करना, यहाँ पर ऐड यूपीआई पर क्लिक करना और यहाँ पर ना अपना बजाज का यूपीआई डालना, ठीक है। बजाज ऐप मैंने पहले बोला बजाज इसमें चाहिए, ठीक है। बजाज का यूपीआई डालना, बजाज क्या करना, बजाज ऐप को ओपन करना और उसमें होम पेज पर ना आपका बजाज का यूपीआई आईडी दिखता है, वही ना यूपीआई आईडी इसमें लेकर के पेस्ट करना, ठीक ठीक है। फिर आपके यूपीआई आईडी पर रिक्वेस्ट चला जाएगा, मतलब बजाज के जो अपने यूपीआई आईडी डाला है वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करना, रिक्वेस्ट चला जाएगा और वहाँ से ना पेमेंट कर देना, बजाज ऐप के थ्रू पेमेंट कर देना, ठीक है। मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं दिखाता लेकिन ना इसमें स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा तो आप कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप को समझ लेना, ठीक है। अपना यूपीआई आईडी ऐड करके पेन ऊपर क्लिक करना, जैसे करोगे तो आपकी यूपीआई आईडी पर ना बजाज वाले पर चला जाएगा रिक्वेस्ट। फिर वहाँ से बजाज ऐप में जाना, बजाज ऐप में जाने के बाद आपको यूपीआई वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर नीचे देखेगा पेमेंट करने का ऑप्शन, जितना भी अमाउंट रहेगा, ठीक है, उतना अमाउंट का आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट कर देना, ठीक है, अपने बजाज ऐप के थ्रू। मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है और देखो मेरा यहाँ पर ऑर्डर सक्सेसफुल पर कन्वर्ट भी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपका ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है, अब आपको करना क्या है, आपको चले जाना है ऑर्डर करने के बाद बजाज ऐप में, ठीक है। बजाज ऐप में जाना, उसके बाद क्या करो, आप बजाज ऐप ओपन करो, यहाँ पर सामने होम पेज पर ना एक प्राइम का ऑप्शन होगा, ठीक है। प्राइम के ऑप्शन पर क्लिक करो और यहीं पर क्लिक करोगे तब आपका यहाँ पर रिवॉर्ड का ऑप्शन है, रिवॉर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रैच कार्ड कर लेना ओपन। जैसे ही करोगे तब आपके यहाँ पर स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इस स्क्रैच कार्ड का स्क्रैच करोगे तो देखो आपको ना मिनिमम कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को हालांकि 11 रुपीज़ मिला है, पता नहीं क्यों, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कैशबैक जरूर से मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को अगर आप अनलिमिटेड करना चाहते हो, ठीक है, अनलिमिटेड क्या करो, मीशो ऐप को एक ही रहने दो, ठीक है। मीशो ऐप एक रहेगा तो हो जाएगा, बट आप चाहो तो बजाज फाइनेंस वाला ऐप करो, अलग अलग करना, ठीक है। जितना भी आपके पास बजाज वाला एप्लीकेशन है वो सभी बजाज अकाउंट से कर लेना, एक बजाज अकाउंट से एक बार कर सकते हो, ठीक है। जितना है आपके पास सभी से करना, आपको यहाँ पर कैशबैक मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कैशबैक मिल जाता है क्या करना, मीशो ऐप पर डायरेक्ट चले जाना और आपने जो यहाँ पर ऑर्डर किया है माई ऑर्डर के सेक्शन पर जाकर और यहाँ से ना ऑर्डर को कैंसिल कर देना, इस पर क्लिक करना और यहीं पर एक कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन है, कैंसिल पर क्लिक करके और यहाँ पर रीजन में ना कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर रीजन डाल दो बस, और कुछ नहीं करना है और सिंपली कैंसिल प्रोडक्ट कैंसिल कर दो, ठीक है। जैसे ही कैंसिल कर दोगे आपका प्रोडक्ट कैंसिल होगा और आपका रिफंड ना मिल जाएगा आपके डायरेक्ट बैंक में, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा ना तो रिफंड आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 10 से 15-20 मिनट के अंदर आपको रिफंड मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा आप वेट करना, आपको रिफंड गारंटेड मिलेगा, आपका पैसा वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पर फ्री का कैशबैक मिल जाएगा और यहाँ से आपका रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटली पर फ्री का अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। और फ्री का जो ये मतलब अपने आपका जो बजाज का अकाउंट है, अगर ये फुल केवाईसी होगा तो इसको ना इसमें से क्या करना, स्कैन पर जाना और कोई भी मर्चेंट क्यूआर को स्कैन करके और उस पर टोटल पैसा सेंड करना, ये पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो आप क्या करो, इसका इससे रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल लूट है, ठीक है।
अब बस अब यही सेम तरीका ना आप क्या करो नावी एप्लीकेशन को ट्राई कर दो। अभी देखो अगर माल फिर से अगर करना हो तो फिर से आप जाना मीशो ऐप में और वही प्रोडक्ट को ऑर्डर करना या फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करना। पेमेंट पेज पर यहाँ पर आने के बाद अब देखो यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन ठीक है सभी में इसको इस चीज़ को ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर क्रेडिट ऐप के पास है तो क्रेडिट में भी कर सकते हो, इसमें भी अगर मिनिमम 200 का ऑर्डर करोगे तो आपको अप टू 150 रुपये से कैशबैक मिलेगा। नहीं पर एक नावी का ठीक है, नावी पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि आपको ना 5% का कैशबैक मिलेगा अप टू 100 रुपये तक ठीक है और फर्स्ट 3 ऑर्डर पर। मतलब अगर आपको मिनिमम इसमें 2000 का ऑर्डर करना होगा, 2000 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो आपको 5% के हिसाब से आपको फ्लैट 100 रुपये कैशबैक गारंटेड मिलेगा ठीक है। और ये चीज़ 3 बार कर सकते हो, एक नावी अकाउंट से 3 बार 2000 रुपीज़ का ऑर्डर करोगे आपको ना टोटल 300 का प्रॉफिट होगा एक नावी अकाउंट से ठीक है। मतलब अभी आप बोलोगे कि इसमें अप टू 100 बता रहे थे कैसे, देखो अभी मैं कैलकुलेट करके आपको। देखो अगर आप यहाँ से यहाँ पर अगर 2000 का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो उसका 5% यानी कि 2000 का 5% आपको इसमें नहीं करना है तो आप देखो कितना मिलेगा 100 रुपये गारंटेड आपको 100 रुपये इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो मिनिमम 2000 रुपीज़ का आपको ऑर्डर होना चाहिए, अगर 2000 से कम करते हो तो आपको कम प्रॉफिट होगा। मतलब मान लो अगर आप यहाँ से 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट करते हो, मान लो यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट करो तो आप 75 रुपीज़ का अर्निंग होगा ठीक है। आपको इसमें 2000 का ऑर्डर करना होगा ठीक है। अभी मैं खुद इस प्रोसेस को करके आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे करना होगा ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आपको करना है कि मीशो ऐप पर चले जाना और कोई भी मिनिमम 2000 का प्रोडक्ट ऑर्डर करना है ठीक है, 2000 के आसपास का। बस सिंपली कार्ड में ऐड कर लो, पेमेंट पर चल जाओ और पेमेंट पर आने के बाद अपना नावी के UPI डालो, जो अपने UPI आपका नावी ऐप में होगा सिंपली आपका नावी ऐप रिक्वेस्ट जाएगा और यहाँ पर नावी ऐप के थ्रू यहाँ से पेमेंट कर दो ठीक है। पेमेंट जैसे ऐसे कर दो, जैसे पेमेंट होगा इंस्टेंट यहाँ पर नीचे ना आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा ठीक है। देखो अपने नीचे एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जैसे स्क्रैच करोगे इंस्टेंट आपको फ्लैट 1000 कॉइन मिल जाएगा, यानी 1000 का कॉइन का वैल्यू होता है भाई 100 रुपये ठीक है। देखो सब फ्लैट 100 रुपये कैसे मिल गया मेरे को यहाँ पर एक बार ये करने से ठीक है। एक बार जैसे ये चीज़ कर सकते हो, देखो गेट कैश पर क्लिक करोगे ये आपका 100 रुपये यहाँ पर बैलेंस बचेगा। अब इसको आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक में ठीक है। अब इस चीज़ को करने के लिए फिर आपको जाना है अपने मीशो ऐप में और जाकर ऑर्डर सेक्शन से इस ऑर्डर को कैंसिल करना। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्डर अगर कुछ भी रीजन देख रहे ऑर्डर को कैंसिल जरूर से कर देना कैशबैक मिलने के बाद ठीक है। अगर कैशबैक ना मिले तो फिर से ऑर्डर कैंसिल करना ठीक है। फिर इस चीज़ को करने के लिए आपको दो बार तीन बार करना होगा ठीक है। तो मैं एक और बार कर लेता हूँ, जैसे ही मैं आकर अपने नावी का UPI पर पेमेंट करता हूँ जैसे किया इंस्टेंट देखो मेरे को यहाँ पर एक्सरसाइज करने मिलेगा और मैं इसको स्क्रैच करूँगा इंस्टेंट मेरा और 100 रुपये, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर 300 का प्रॉफिट के लिए एक नावी अकाउंट से ठीक है। 3 बार ऑर्डर करोगे 2000 का तो आपको यहाँ पर 300 का प्रॉफिट होगा ठीक है। और फिर ऑर्डर सेक्शन पर आकर मीशो में जाकर सभी प्रोडक्ट को कैंसिल करना और ये रिफंड आपका मतलब विदिन 10 से 20 मिनट के अंदर आपका रिफंड आपको कैशबैक आपके UPI पर मिल जाएगा ठीक है। और उसके बाद आप जाना नावी ऐप में फिर से अगेन अपने करना है इंस्टेंट आपके ये पैसा बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा इंस्टेंट ठीक है। देखो इस चीज़ को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अभी ये नहीं बोलूंगा कि नावी का ये कब तक ऑफर चलेगा, हो सकता है ये बाद में कॉइन देना बंद कर दे ठीक है, हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई करना, अगर कॉइन ना दे तो आप मत करना ठीक है। आप ऑर्डर कैंसिल करना, आपका रिफंड आपके बैंक में ही जाएगा ठीक है। और हाँ पहले जाकर पहला वाला ऑफर ट्राई कर सकते हो जो मैंने बताया है आपको बजाज का ट्राई करने का ठीक है। अगर देखो आपके पास अमाउंट है तो नावी का ट्राई कर सकते हो, फ्लैट 300 का प्रॉफिट होगा ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप क्या करो बजाज के थ्रू बजाज वाला ही ऑफर कर लो, आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मिल जाएगा जितना भी आपके पास बजाज का अकाउंट है। हर बजाज अकाउंट के अलग अलग एक पर लॉग इन करके क्लियर करके इसमें लॉग इन करके फिर उससे आप कर लेना ठीक है। मीशो का अकाउंट एक रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन बजाज का अलग अलग अकाउंट रहेगा तो होगा ठीक है। और जाकर सभी लोग इसको ट्राई करो, कोई भी इस लूट को मिस मत करना भाई। फ्लैट 300 का यहाँ से अर्निंग होगा और प्लस बजाज से और अर्निंग होगा ठीक है। जाकर फटाफट लूटो और कोई मिस मत करना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, इस रिलेटेड कोई भी अपडेट दूंगा या फिर न्यू लूट ऑफर दूंगा टेलीग्राम पर, मस्ट जाकर ज्वाइन हो जाना ठीक है।